नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमए विद्या चैनल में। आपके साथ मैं हूं मुक्ता कंडोल और आप देख रहे हैं हमारा ये खास लाइव इंटरैक्शन सेशन। और आज के हमारे इस क्लासरूम में, हमारे सेशन में, हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। और जो विषय हमारा रहेगा, जो सब्जेक्ट है, वो है सोशल साइंस। और ये जो आज का हमारा सत्र है, जो आज का हमारा ये टॉपिक है, वो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। तो हमारा जो कार्यक्रम है वो पीएम विद्या के चैनल नंबर 9 पर लाइव प्रसारित हो रहा है। और साथ ही हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब, जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है एनसीईआरटी ऑफिशियल, आप उस पर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से इस सत्र शुरू करते हैं। और जो आज हमारी ये टॉपिक है पीपल एज रिसोर्स, और इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो एक्सपर्ट अब आज हमारे साथ जुड़े, सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका नाम है शंकर प्रसाद शाह सर, इस पीजीटी इकोनॉमिक्स एट केंद्रीय विद्यालय कोलाबा मुंबई। बहुत बहुत नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे सत्र में। और हमारे लर्नर्स, हमारे स्टूडेंट जो इस वक्त हमारा ये सेशन देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी प्रश्न हो, किसी भी तरह की अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप ज़रूर हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559। इसके अलावा आप चाहे तो हमारे साथ ईमेल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in। और ये जो हमारा ईमेल एड्रेस है, इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। तो चलिए आज का हम ये सत्र शुरू करते हैं, सीधे अपने एक्सपर्ट्स की तरफ रुख करते हैं। सर, आपसे जानते हैं शंकर सर, ये जो आज का हमारा टॉपिक है, हमारा ये जो सेशन का ये टॉपिक है पीपल एज रिसोर्स, तो सेशन की शुरुआत एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हाउ पीपल कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स। आई मीन इट्स अ वास्ट टॉपिक, मल्टीपल वेज हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपसे शुरू करना चाहूंगी ताकि हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा रिलेट कर पाए और फिर ये जो हमारा सेशन आगे वो समझ पाए। सर जी धन्यवाद। First of all, I would like to convey my love and affection to all the viewers of PM India channel. Madam, how people become resource? जो व्यक्ति के अंदर ability, knowledge, productivity, skill होता है, अगर वो व्यक्ति अपने इस knowledge, skill, productivity को use करके देश के आर्थिक विकास में सहयोग करता है, तभी वो पीपल एक संसाधन के रूप में किसी भी कंट्री के लिए जाना जाता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक पीपल एज अ रिसोर्स। पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, पॉपुलेशन एज ए लायबिलिटी एंड पॉपुलेशन एज एन एसेट। द इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज ट्रीटेड as a liability to the country, but literate and a healthy population of a country is treated as an asset to the country. So people as a resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. Now coming to population as a resource, people as a resource, कब मानव किसी भी देश के लिए एक संसाधन बन जाता है? जब किसी भी कंट्री का वर्किंग पॉपुलेशन, जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिव स्किल और एबिलिटी होता है, तो वो व्यक्ति उस देश के लिए संसाधन के रूप में जाना जाता है। अब जो आपका क्वेश्चन था, नाउ क्वेश्चन इज हाउ पीपल बिकम रिसोर्स। पीपल बिकम रिसोर्स बाय यूजिंग देयर स्किल, नॉलेज, प्रोडक्टिविटी एंड एबिलिटी। देश का वह व्यक्ति जिसके अंदर ये स्किल, नॉलेज, प्रोडक्टिविटी और एबिलिटी है, इसका उपयोग करके अगर वो देश के आर्थिक विकास में सहयोग करता है, भागीदारी देता है, तो वह व्यक्ति संसाधन के रूप में जाना जाता है। इसको एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो भारत में हरित क्रांति आया। और भारत में हरित क्रांति कैसे आया? हमारे देश के जो पीपल थे, जो पीपल रिसोर्सेज थे, या जो पीपल ह्यूमन कैपिटल थे, जिनके अंदर ये एबिलिटी थी, नॉलेज था, स्किल था, वो अपने नॉलेज स्किल को यूज करके, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, हाई एल्डिंग वराइटीज ऑफ सीड्स को अपना करके कृषिगत उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इसलिए जब व्यक्ति अपने स्किल को यूज करके आर्थिक विकास में सहयोग करता है, तो वही व्यक्ति देश के लिए संसाधन जाना जाता है। ह्यूमन कैपिटल, ये मानव पूंजी क्या है? ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन एंड प्रोडक्टिव नॉलेज। जिस व्यक्ति के अंदर ये स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन, प्रोडक्टिव नॉलेज का स्टॉक होता है, वास्तव में वह व्यक्ति मानव पूंजी कहलाता है किसी भी कंट्री के लिए। आजकल के जितने भी प्लानर हैं, सारे प्लानर का ये मानना है, एक मजबूत राष्ट्र की नींव
उस देश के ह्यूमन डेवलपमेंट पर ही निर्भर करता है। यहाँ तक कि प्रोफेसर विफले ने कहा है किसी भी देश का वास्तविक धन उस देश की भूमि, उस देश का जल नहीं होता। किसी भी देश का वास्तविक धन उस देश के फॉरेस्ट और मिनरल्स नहीं होते, यहाँ तक कि डॉलर रिजर्व भी नहीं होता, बल्कि उस देश का वास्तविक धन होता है उस देश के व्यक्ति जो शिक्षित और स्वस्थ होते हैं, यानी कि ह्यूमन कैपिटल। बिल्कुल सर। और सर यहाँ पे हम बात करें ह्यूमन कैपिटल पे, तो मेरा एक छोटा आपसे एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर है कि डस ह्यूमन कैपिटल क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स एज वेल? यस यस सर। जो ह्यूमन कैपिटल होता है मैडम, ऐसा है कि उसके अंदर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी उसको अवेलेबल होता है। जो एजुकेटेड व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व में निखार आता है, पर्सनलिटी डेवलपमेंट हो जाता है उनका, और वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बढ़ चढ़ कर एक्टिव होकर भागीदारी देता है। देश का आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में व्यक्तिगत तौर पर वो भागीदारी देता है, ये प्राइवेट बेनिफिट है। लेकिन अगर वही व्यक्ति पर्सनल हाइजीन रख को मेंटेन करके और देश में एपिडेमिक पेंडेमिक या कोई कम्युनिकेबल डिजीज फैलने से रोकता है, ये सामाजिक लाभ है ह्यूमन कैपिटल का। जैसे ही COVID-19 के टाइम में हमने ये देखा है कि बहुत सारे हमारे यहाँ के जो एजुकेटेड व्यक्ति हैं, स्वस्थ व्यक्ति हैं, उन्होंने सरकार के नियमों का पालन किया, मास्क को प्रॉपरली यूज किया, हैंड सैनिटाइजिंग किया समय समय पर और सही ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया, और हमारे देश में जो COVID-19 का फैलाव था उस फैलाव को रोकने में मदद किया। तो इसको हम सोशल बेनिफिट के तौर पर हम देखते हैं और कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ प्राइवेट बेनिफिट्स एज वेल एज सोशल बेनिफिट। तो ह्यूमन कैपिटल पर जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फिजिकल रिसोर्सेज पर, रिसोर्स पर फिजिकल रिसोर्स पर इन्वेस्टमेंट करके उसे फिजिकल कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं, और उसका मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना या मैक्सिमम अर्निंग करना, ये मनी अर्न करना। उसी प्रकार से अगर ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं और इसे ह्यूमन कैपिटल में परिवर्तित कर देते हैं, तो इट कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न्स इन फ्यूचर। इसलिए ये जो इन्वेस्टमेंट फिजिकल रिसोर्सेज पर हो या इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज पर हो, दोनों करीब करीब एक समान है। और यहाँ तक कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है फिजिकल कैपिटल से। जैसे हम आगे देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल इज वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल ही ऐसा है, ह्यूमन रिसोर्सेज ही ऐसा है जो फिजिकल रिसोर्सेज है उसको कन्वर्ट करता है फिजिकल कैपिटल में और उसके अंदर यूटिलिटी क्रिएट करता है, और बाद में वो फिजिकल कैपिटल हमारे उपयोगी होता है। सपोज करते हैं अगर पूरा वर्ल्ड मानव रहित हो जाए, अगर कोई व्यक्ति ना हो, तो जितने भी सामान हैं, जितने भी मॉल्स हैं, मार्केट हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेज हैं, या जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, इसके क्या महत्व रह जाएंगे। और इतना ही नहीं, जो कीमती बेशकीमती आइटम्स हैं, सोना चांदी प्लेटिनम डायमंड, इसके भी क्या इम्पोर्टेंस रह जाएंगे। इसके अंदर यूटिलिटी क्रिएट करने का काम, इसको इम्पोर्टेंट बनाने का काम ये ह्यूमन रिसोर्स करता है। और कहा भी गया है कि लैंड एंड फिजिकल कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन, वो अपने आप में यूजफुल नहीं होता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। नाउ कमिंग टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता कैसे है और इसे हम किसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स फर्दर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स बाय मेकिंग मोर एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स पर अधिक से अधिक एजुकेशन पर हम खर्च करें, एक्सपेंडिचर करें, हेल्थ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है कि देश के प्रोडक्टिव पावर में ये वृद्धि करता है। कौन कौन से सोर्सेस होते हैं जिसके द्वारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है? तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हमें एजुकेशन पर अधिक से अधिक खर्च करनी चाहिए, क्योंकि इट इंक्रीजेज फ्यूचर इनकम एंड रेजेज द लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। उसी प्रकार से एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, अगर हम हेल्थ पर खर्च करते हैं, तो इट हेल्प्स टू बिल्ड प्रोडक्टिव लेबर फोर्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ।
और सेम है एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अगर कोई जॉब में है तो जॉब के दौरान समय समय पर उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए और उस पर एक्सपेंडिचर जो किया जाता है इसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इट इंक्रीज द स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, आज आईटी का युग है, इंफॉर्मेशन का युग है, तो इस पर भी हम खर्च करके कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि इट हेल्प्स टू मेक डिसीजन इन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल पर हम खर्च करें, इसका डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो इन्फॉर्मेशन से आती है। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, इट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग इन माइग्रेटेड प्लेस। अब हम एजुकेशन के बारे में देखेंगे कि एजुकेशन से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा और इससे क्या क्या हमें लाभ होता है, एजुकेशन के क्या इम्पोर्टेंस है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन टर्न्स ह्यूमन बीइंग्स इनटू ह्यूमन रिसोर्सेज, ये पहले भी मैंने कहा। और एजुकेशन प्रोवाइड्स गुड सिटीजंस, इट डेवलप्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट फैसिलिटेट्स इफिशियंट यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इट एक्सपेंड्स मेंटल होराइजन ऑफ द पीपल। तो हमको ये देखना है कि वास्तव में भारत में एजुकेशन के क्षेत्र में क्या भारत की उपलब्धि रही है, इस उपलब्धि को हम प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के रूप में यहाँ पर स्टडी करने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसको कि हमारे देश में 2010 में इम्प्लीमेंट किया गया, और इसके आधार पर हमारे देश के जितने भी बच्चे हैं 6 से लेकर 14 ईयर्स के, उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने का प्रावधान किया गया। और इसी का परिणाम है कि आज 96% ऑफ चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज आर एनरोल्ड इन स्कूल। गवर्नमेंट स्टार्टेड मेनी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स टू बूस्ट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, पीएम पोषण स्कीम, अर्लियर इट वॉज नॉन एज मिड डे मील स्कीम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम्स, एजुकेशन गारंटी एंड अल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेशनल प्रोग्राम्स फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। अब सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है इस्टेब्लिश केंद्र विद्यालय इन 1964 फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय। एनसीईआरटी वॉज सेटअप इन 1981 एज एन एकेडमिक एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट है इस्टेब्लिश्ड नवोदय विद्यालय इन 1987 टू गिव मॉडर्न एजुकेशन ऑफ गुड स्टैंडर्ड टू टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ रूरल एरियाज। फर्स्ट सैनिक स्कूल वॉज सेटअप इन 1961। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग वॉज सेटअप इन 1989। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन स्कूल्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। इट हैज द फॉलोइंग मेन कंपोनेंट्स, आप यहाँ हम लोग देख सकते हैं, नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट्स, एनवायरमेंटल ओरिएंटेशन टू स्कूल एजुकेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन इन स्कूल्स, प्रमोशन इन योगा इन स्कूल्स। कमिंग टू हायर एजुकेशन, इट इज ए पावरफुल टूल फॉर बिल्डिंग ए नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। और इसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1956 फॉर प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1985 फॉर द इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम। इसके अलावे बहुत सारे टेक्निकल, मेडिकल, एग्रीकल्चरल कॉलेजेस खोले गए, ऑटोनोमस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस खोले गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो हाल फिलहाल 2020 ईस्वी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसके तहत 5-3-3-4 स्कूल स्ट्रक्चर अपनाया गया है और 5th क्लास के बच्चे तक को मदर टंग में एजुकेशन देने की बात कही गई है। 10th क्लास के बच्चों का बोर्ड एग्जाम हटा दिया गया है, एमफिल हटा दिया गया है और बहुत सारे इसमें मेजर्स उठाए गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये पर्याप्त है, ये जो उपलब्धि है एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भारत का ये पर्याप्त है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और इसके इस दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि ये उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, इसलिए हमें एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य करने की जरूरत है। नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, नंबर ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल्स, नंबर ऑफ मिडिल स्कूल्स और नंबर ऑफ ये सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल, नंबर ऑफ कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा करने की आवश्यकता है हमारे यहाँ, या मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हों, इनकी काफ़ी अधिक है और शिक्षा में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। हेल्थ, हेल्थ इज द
holistic process related to the overall growth and development of the nation. Development of health infrastructure ensures a healthy manpower for production of goods and services to a country. जिस कंट्री में हेल्थ केयर फैसिलिटी या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होता है वहाँ पर हेल्दी मैन पावर अवेलेबल होता है और वह हेल्दी मैन पावर डायरेक्टली गुड एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में सहयोग करता है। और हमारे कंट्री में 3-tier सिस्टम हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का अपनाया गया है, प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, टर्शियरी लेवल पर। लेकिन सवाल यहाँ फिर वही उठता है कि क्या हेल्थ फैसिलिटीज भी हमारे यहाँ पर्याप्त है? तो हम कह सकते हैं कि नहीं। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की कमी है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बहुत ही कम है, नंबर ऑफ नर्सिंग स्टाफ बहुत ही कम है। COVID-19 के समय में ये हमें देखने को मिला इस तरह से हमारे डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ रात दिन एक करके 24 आवर्स वर्क करके इस एपिडेमिक पर विजय पाने में सफल तो हुए, लेकिन उस समय काफ़ी एहसास हो रहा था कि वास्तव में हमारे मेडिकल कॉलेज की कमी है, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, डॉक्टर की संख्या बढ़नी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़नी। बिल्कुल सर, क्योंकि और सबसे जो एक दृष्टिकोण हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर का जो सामने आया वो इस कोविड पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा सामने आया। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अस्पताल हमारा जो हेल्थ सेक्टर तो वो काफ़ी वीक पड़ गया था, कहीं ना कहीं हम इस जो पैंडेमिक था उससे कोप अप नहीं कर पाए थे। तो आपको क्या लगता है कि हमारे हेल्थ सेक्टर में किस तरह के सुधार हम ला सकते हैं, क्या मेजर्स हम ले सकते हैं जिससे कि अगर आने वाले कोई भी ऐसे पैंडेमिक हो, एंडेमिक हो, उससे हमारा देश आसानी से कोप अप हो कर पाए? सर जी, हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत में हमारे दो ग्रुप में बांटते हैं, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी और गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। आज हमारे यहाँ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने खुलते जा रहे हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत खस्ता है और इसका एकदम पूरा सबूत देखने को मिला पैंडेमिक के टाइम में, COVID-19 के टाइम। तो अभी जो इसका एक निवारण के तौर पर सरकार को करनी चाहिए, सबसे पहले मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ानी चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से मेडिकल कॉलेज की कमी है हमारे यहाँ। और जब मेडिकल कॉलेज की कमी रहेगी तो प्रोडक्शन डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के कम होंगे। जब मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर हेड डॉक्टर अगर देखें मैडम, हमारे यहाँ पर हेड डॉक्टर बहुत कम है क्योंकि हमारा एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, पूरे विश्व में सेकेंड स्थान है हमारे यहाँ जनसंख्या दृष्टिकोण के दृष्टिकोण से। तो इस स्थिति में हमारे यहाँ नंबर ऑफ डॉक्टर्स की बढ़ना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ बढ़ना चाहिए। और यहाँ ही इतना ही नहीं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने की जरूरत है। जो भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लीजिए एक्सरे मशीन या जो भी सीटी स्कैन मशीन, वो वर्किंग कंडीशन में अक्सर नहीं पाई जाती। मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो अभी प्रॉम्प्ट नहीं होता। आए दिन सुनने को मिलता है न्यूज़ के माध्यम से हॉस्पिटल के बगल में तालाब में नाले में बहुत सारे मेडिसिन मिला, तो इस प्रकार से ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, वह फिर एक्सपायर हो जाता है, उनको छिपाने के लिए उनको फिर इधर उधर फेंकना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, इन सब सिस्टम ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, ऐसा प्लान करना चाहिए हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि ये सारी चीज़ें बंद हो जाए और प्रॉपर ढंग से मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, अच्छे डॉक्टर ट्रीटमेंट हो सके, मशीन और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और डेवलप करने की आवश्यकता है और जो है हमारे पास उसको भी मेंटेन करने की जरूरत है और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। अब हम चलते हैं राइज इन इकोनॉमिक ग्रोथ और कैपिटल ह्यूमन कैपिटल के बीच में क्या रिलेशन है। तो देयर इज एन ये इंटरडिपेंडेंट ह्यूमन कैपिटल एंड राइज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों एक दूसरे का इंटरडिपेंडेंट है। कैसे? अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो क्या होता है कि पर कैपिटा इनकम उस कंट्री के लोगों का बढ़ जाता है। पर कैपिटा इनकम जब बढ़ जाता है तो वह सामर्थ्य हो जाता है, एबल हो जाता है अधिक से अधिक एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च करने के लिए। जब एजुकेशन और हेल्थ पर वो अधिक खर्च करता है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होता है और उस देश में ह्यूमन कैपिटल की संख्या काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसके जस्ट विपरीत अगर हम देखें, अगर किसी कंट्री में राइज इन ह्यूमन कैपिटल है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा किसी कंट्री में हुआ है, तो क्या होता है? तो उस देश के जो व्यक्ति हैं उसमें मॉडर्न एटीट्यूड एंड आउटलुक आ जाता है और वे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने लगते हैं, जिससे कि उनका हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाता है और वह मोर इफिशियंट हो जाता है। मोर इफिशियंट होने के बाद उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, अधिक से अधिक वो प्रोडक्शन देने लगते हैं और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है पर कैपिटा इनकम बढ़ता है और इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इसलिए हम देखते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने से भी इकोनॉमिक ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है और इकोनॉमिक ग्रोथ होने से भी ह्यूमन कैपिटल पर प्रभाव इसका पड़ता है।
coming to economic activities undertaken for earning income or profit, जो money से related है, जो earning or profit के लिए activity की जाती है, उसे हम economic activity कहते हैं. Further economic activities are categorized into two categories. Number one, market activity. Number two, non-market activities. Market activities involves remuneration to anyone who performs activity for pay and profit. और दूसरे साइड में अगर देखते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय पीपल आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड सिंपैथी तो इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं. इसको हम एग्जाम्पल के तहत समझने का प्रयास करते हैं. मान लेते हैं एक नर्स है, वो अगर अपने घर में अपने पति और अपने बच्चों की सेवा करती है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. लेकिन वही नर्स अगर हॉस्पिटल में आती है, वो मरीज की सेवा करती है और उसके बदले में वो सैलरी लेती है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो एक ही प्रकार का एक्टिविटी, लेकिन वो उद्देश्य उनके बदल जाने से वो नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक हो जाता है. जैसे अगर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वही क्रिकेट अगर सचिन खेलते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाता है. सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है, व्हाट यू मीन बाय सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. द क्लस्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नॉन एज द सेक्टर, या हम कहें ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नॉन एज सेक्टर. तो ये सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को तीन सेक्टर में, थ्री सेक्टर्स में बांट कर हम यहाँ अध्ययन करते हैं. एक है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग एक्सेट्रा. सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, क्वारी, इंडस्ट्री. टर्शियरी सेक्टर्स इट इंक्लूड्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज और इंश्योरेंस एक्सेट्रा. अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी क्या है. वेल पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट बट नॉट फाइंड जॉब. जब कोई व्यक्ति वर्तमान रेट पर जो मजदूरी है उस पर काम करने को तैयार है लेकिन उसे काम नहीं मिलता तो उसे हम बेरोजगार कहते हैं. और ये बेरोजगारी रूरल और अर्बन दोनों एरिया में पाया जाता है. रूरल एरिया में जो बेरोजगारी पाए जाते हैं उनमें से दो बेरोजगारी प्रमुख है. एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट. वेयर पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर इट इज नॉन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. अक्सर रूरल एरिया में हम ये पाते हैं कि जो लैंडलेस फार्मर होता है या फार्म लेबर होता है वह साल के कुछ महीने ही उन्हें रोजगार मिल पाता है, बाकी महीनों में वो बेरोजगार रहता है. इसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. कमिंग टू डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वेयर पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे आर नॉट एम्प्लॉयड. लग रहा है कि वो काम में लगे हुए हैं लेकिन वास्तव में वो काम में और रोजगार प्राप्त उन्हें नहीं हुआ है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि छोटे से जमीन के टुकड़े पर जिसमें कि दो या चार लेबर की आवश्यकता है वहाँ पर आठ लेबर को हम लगा देते हैं और वो आठ व्यक्ति जो काम करते हैं उनसे पर हेड प्रोडक्शन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती या बहुत कम वृद्धि हो पाती है. तो हम कह सकते हैं वहाँ पर जो एक्स्ट्रा चार लेबर लगा है वह अनएम्प्लॉयड है, इसलिए इसको छिपी हुई बेरोजगारी का नाम दिया जाता है. अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट पाए जाते हैं, उसमें से प्रमुख है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. व्हेन पीपल आर एजुकेटेड और स्किल्ड बट डू नॉट गेट जॉब अपॉर्चुनिटी नॉन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये अर्बन एरिया में पाए जाते हैं. इसके कंसिक्वेंसेस देखेंगे अंत में कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या परिणाम होते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज. जो हमारे कंट्री में मैन पावर है अगर वह अनएम्प्लॉयड है तो वह एक वेस्टेज मैन पावर होता है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण. अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक बर्डन, और एक प्रकार से आर्थिक बोझ के तौर पर देखा जाता है. यहाँ एक चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे देश में 80% डिपेंडेंट पॉपुलेशन है जबकि 20% वर्किंग पॉपुलेशन है. और जापान को अगर हम लें जस्ट इसका उल्टा, वहाँ पर 20% डिपेंडेंट पॉपुलेशन है और 80% वर्किंग पॉपुलेशन है. तो ये जो बर्डन है इकोनॉमी पर ये अनएम्प्लॉयमेंट के कारण है और इसको हम दूर कर सकते हैं अगर सरकार उस प्रकार से मेजर को अपनाती है, दूर करती है तो ये बर्डन इकोनॉमिक बर्डन को कम किया जा सकता है. अनएम्प्लॉयमेंट में लीड टू इंक्रीज इन सोशल टेंशन, और कभी कभी ये जो बेरोजगारी है
सामाजिक तनाव का भी कारण बनता है, ये एक सामाजिक टेंशन का, सोशल टेंशन का भी कारण बनता है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आज के हमारे सेशन में सर ने, हमारे छात्रों से कहना चाहिए, हमारे सेशन में सर ने काफ़ी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करा। हमने बात करी हेल्थ सेक्टर पे, हमने बात करी इकोनॉमी में, हमने बात करी अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों, हमने सभी पहलुओं पर बात करी। हमारे दर्शकों, हमारे छात्रों जिस वक्त देख रहे हैं, उम्मीद करती हूँ उन्हें आज का सत्र जरूर समझ में आया होगा। सर ने इतनी ब्यूटीफुली तरीके से, एग्जाम्पल के तरीके से समझाया किस तरह से इन टॉपिक्स को आप समझ सकते हैं। तो सर एक बार फिर से आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सेशन को हमारे स्टूडेंट तक पहुँचाने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और मैं अपने छात्रों, हमारे लर्नर्स जो इस वक्त हमारे एक प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप इसी तरह हमारे प्रोग्राम से जुड़ते रहिए। आप देखते रहिए NCERT Official। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।